दोस्तों, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि वीडियो मैंने बनानी शुरू कर दी है आजकल, तो आज जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक लेडीज कोट है। लेडीज कोट की कटिंग दोस्तों बिल्कुल अलग होती है। तो एक लेडीज कोट, इसका मेजरमेंट पहले तो ये 1 मीटर 40 सेंटीमीटर मैंने कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई कोट की कम है, 1:40 में एक कोट हो जाएगा। ये 1 मीटर 40 सेंटीमीटर मैंने कपड़ा ले लिया है। दोस्तों, सबसे पहले इस कपड़े को हम उल्टा कर देंगे। दोस्तों, मेरे यहाँ जो बुकिंग होती है दुकान की, मैं ज़्यादातर वीडियो उसी की बनाता रहता हूँ। और कोई डिमांड होती है, जैसे आज 2-3 वीडियो डिमांड की हैं, हैवी साइज पैंट की कटिंग, बंद गले के कोट की कटिंग, तो आज मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा। और आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ये काफ़ी सिंथेटिक कपड़ा है, इम्पोर्टेड कोरियन कपड़े होते हैं ये, चाइना के, कोरिया के, ज़्यादा डाइट इन कपड़ों की नहीं होती है। लेकिन इस फैशन की उसमें दौर में लाइफ क्या देखनी। वैसे तो प्रेस ये थी, लेकिन प्रेस जहाँ मैं नीचे कटिंग करता हूँ वहाँ है, तो मैं इसे नखून से ही बढ़ा लेता हूँ। एक लेडीज कोट। दोस्तों, ये कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, तो साधारण सा नाप है इसका, 37 इंच दोस्तों सीना है, 32 इंच इसकी कमर है, और इसकी हिप भी 37 इंच है। हिप नापनी बहुत ज़रूरी हो जाती है कोट में, लेडीज कोट में। और दोस्तों, 26 इंच इसकी लंबाई है। शोल्डर है इसका 15.5 इंच, स्लीव्स है इसकी 20.5 इंच। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बैक काटेंगे। लेडीज़ कोट भी 2 तरीके से कटते हैं। देखो, इसको तो मैं प्रॉपर जैसे कोट काट रहे हैं वैसे काट रहा हूँ, नहीं तो जैसे शेरवानी की बैक कटती है इस तरीके से, अगर ये लॉन्ग कोट होता तो मैं इसे जैसे शेरवानी काटते हैं उस तरीके से काटता, लेकिन इसको मैं प्रॉपर कोट की तरीके से काट रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेडीज कोट में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही नोट करने वाली होती हैं। सबसे पहले एक हम ये दबाव का निशान लगा लेते हैं, लगभग 2 इंच मैंने इसमें एक निशान लगा लिया जो नीचे मुड़ने का है। अब दोस्तों, इसकी लंबाई है 26 इंच, तो एक हम 26 इंच में निशान लगा देंगे। 26 इंच में मैंने दोस्तों एक निशान लगा दिया है, 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। निशान मैंने लगा दिया है दोस्तों, इसको जो है ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे। शोल्डर छोटे होते हैं लेडीज के, ज़्यादा डाउन नहीं होते, 1.25 इंच भी बहुत है। 1.25 इंच मैंने इसका शोल्डर डाउन किया है। अब दोस्तों देखो, इसकी 37 इंच चेस्ट है, तो स्केल के हिसाब से अगर लगाएं हम इसे, तो ये देखिए, हर एक में समझाता हूँ फिर बता रहा हूँ, मेरे को तो खैर यह पता है कितना आएगा। ये 37 है ना, तो 18.5 × 37 और 6 इंच प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारा 18.5 ही लगभग आ गया। 18.5 को इधर देख लीजिए आप, ये लगभग 9.25 इंच आ गया। लेकिन अगर ये जेंट्स कोट करता तो इसका मुड्डा हम स्केल के हिसाब से 37, 18.5 से 9.25 आ जाता, लगभग 1/4। लेकिन नहीं, ये लेडीज़ कोट है तो इसका मुड्डा हम कम काटेंगे, 0.5 इंच। 0.5 इंच क्या, इसका मुड्डा अगर हम 8.5 इंच भी काट दें तो बहुत है। मैं 8.5 इंच इसका मुड्डा काट रहा हूँ, ये 8.5 पे मैंने निशान लगाया है और 1.5 इंच ऊपर ये लगा दिया। और दोस्तों, 16 इंच
इसके कमर का निशान मैंने लगा दिया। मुड्डा देखो बहुत कम कटता है, 8.5 इंच इसका बहुत होगा मुड्डा, और 16 इंच मैंने एक कमर का इसका निशान लगा दिया है। और इन निशानों को पहले हम उठा लेंगे। एक यहां से लगभग 1.25 इंच पे हम निशान उठाएंगे और यहां से 0.5 इंच, ये कमर की शेप बन जाएगी। और ये हम कमर की ऊपर गोलाई बना देते हैं जैसे कोट में देते हैं। अब दोस्तों देखो यहां पे इसकी हम शेप बनाएंगे कमर की। ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं बस जो कि शेप शक्ल आ जाती है। मैंने हल्का सा शेप दे दिया कमर में, ये पीछे कमर बन गई इसकी। अब दोस्तों सबसे पहले ये इसमें हाले के निशान होते हैं स्केल में, तो इसका 37 इंच सीना है, तो ये आ गया हमारा इस वाले निशान से जो हमने आगे निशान दिया है, ये पीछे वाला नहीं, ये जो राउंड हमने कर दिया है ये हमारा हाले का निशान आ गया 18.5 इंच, 18.5 पे ये आ गया हाला। अब इसका तीरा है दोस्तों 15.5 इंच, तो 15.5 ये हो गया आपका 8.25, और 0.5 इंच हो गया इसका ये सिलाई का। अब दोस्तों देखो बैक निकालना बहुत आसान तरीका बताता हूँ आपको, बहुत ही आसान तरीका। आपका तीरा सही अगर कोट में नपा हुआ है तो ये बैक कितनी आनी चाहिए, वैसे तो बैक नाप भी लेते हैं हम, इसकी 14 इंच बैक मैंने नापी हुई है। तो देखिए दोस्तों ये जो निशान है इस निशान को तीरे का जितना तीरे का 0.5+0.5 इंच सिलाई में दब जाएगा। इस निशान को यहाँ मिला लीजिए, ये एग्जैक्ट 9 इंच आया हमारा, तो इसको भी यहाँ एग्जैक्ट 9 इंच रखने के बाद 1 इंच में 1 सूत कम, लगभग 1 इंच से पीछे लगा लीजिए, ये एकदम सही आता है। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बैग मैंने इसकी 14 इंच नापी हुई है, 14 इंच बिल्कुल तैयार आएगी। यहाँ तो ये 7 इंच आ गई, अभी बताता हूँ कैसे आएगी। अब दोस्तों देखिए ये लेडीज कोट है, अगर ये कोट जेंट्स होता तो हमारा यहाँ पे ये 7 इंच आया, छोटा साइज है, कम बैक है, तो हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 इंच रख देते, क्योंकि साइड में चाक रखते हैं, इसमें साइड में चाक नहीं है। तो दोस्तों जैसे ये आया मेरा, इसमें स्केल का हिसाब भी अगर आप कहते हो तो स्केल से भी समझाता हूँ। ये देखिए ये हिसाब है, ये 18.5 इंच ये निशान लगाया, और यहाँ से 18.5 आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन ये जेंट्स कोट में आ जाएगा, लेडीज में नहीं आएगा क्योंकि इसका तीरा छोटा है। तो ये हमारा ये 7 इंच आया, इसको हम यहाँ से 1.25 इंच कम कमर का निशान लगा देंगे, 6 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे 6.25 लगा रहा हूँ। अब दोस्तों अभी एक चीज़ और बताऊँगा। अब देखिए हिप का निशान जिसमें साइड चाक नहीं है, और लेडीज कोट ये भी निशान लगाने के कई तरीके हैं। अगर ये साइड चाक होता यहाँ पे तो हम क्या करते, जैसे यहाँ से 7 है तो यहाँ से 0.5 इंच कम रख लेते इसको, लेकिन अब देखो सीधा सस्ता हिसाब है, इस स्केल को यहाँ पकड़ लीजिए आप, यहाँ मिला दीजिए, और यहाँ से इसको 0.25 डाउन कर दीजिए, ये आ गया। और लेडीज कोट है 31 इंच 32 इंच इसकी कमर है, थोड़ी हिप ज़्यादा है तो इसको हम इधर भी निकाल सकते हैं। अगर इसकी हिप बहुत ज़्यादा होती, मान लिया इसकी हिप 38-40 होती, तो इधर ना बढ़ा के ज़्यादा हम इसको इधर निकाल लेते, इन तारों को सीधा ना करके इधर निकाल लेते। ये देखिए आप, ये निशान मैंने उठा दिए हैं और ये मैंने ये लगा दिया है।
यहाँ मैं इनका नाम ही लिख देता हूँ, ये लेडीज कोट की, इसमें बैक चाक भी नहीं है, बंदी रखेंगे इसको हम। बैक मैंने काट दी है, अब इसको हमारे लिए इस कोट की बैक कट चुकी है। मैंने बैक काट दिए इसकी। अब दोस्तों सामना इसका ना यहीं से निकल जाएगा आगे से, लेकिन यहाँ से मैं आस्तीन ले लूँगा, कपड़ा हमारे पास बहुत है तो यहाँ से आस्तीनें ले लेंगे। इसको मैं पलट लें या वैसे ही कर लें, इधर से मैं सामना ले लेता हूँ इसका। एक यहाँ से मैंने करीब सवा इंच का निशान लगा दिया है, पता लग जाएगा आपको क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि इसमें हम थोड़ा कॉलर राउंड में देंगे, बड़े भी देंगे थोड़े। एक इंच का हमने निशान लगा दिया है। अब ये निशान हम जैसे अक्सर कोटर में उठाते हैं, जो हमने बैक पर निशान लगाए हैं वही निशान हम उठा देंगे। ये कमर का निशान है हमारी, ये चेस्ट का निशान है हमारी, इस कोट की जब मैं ट्रायल लूँगा तो मैं उसका वीडियो भी आपको डालूँगा। निधि नाम है इनका, जिनका मैं कोट काट रहा हूँ, तो मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, बताऊँगा आपको मैंने निधि जी का कोट मैंने जो। अब देखिए ये हमने निशान उठा दिए हैं, अब इसकी कमर नाप लीजिए 6.25 इंच है, ये 7 इंच है चेस्ट से, और ये जरूर तीरा नाप लेते हैं क्योंकि 2 सूत कम रखना है हमें। ये 5.5 इंच एक सूत है, तो इसको जो सामने का तक वो रखेंगे हम तीरा, 2 सूत कम रखेंगे, 5.5 इंच में 1 सूत कम आ जाएगा वो। अभी आया हमारा 7.25, चलो पहले मैं निशान उठा देता हूँ, ये आया 7.25, ये आया 7, ये हम पहले निशान उठा देंगे। एक मैं लेडीज लॉन्ग कोट भी डालूंगा आपके बहुत जल्दी, उसकी कटिंग बिल्कुल ही अलग है। अब देखिए आपको बताने के लिए फिर नाप रहा हूँ इसको, जबकि मेरे को याद है ये यहाँ से आया है हमारा 7 इंच, तो यहाँ से रखेंगे हम, ये 7 इंच रखा हमने, ठीक है, और इसका सीना है 37 इंच, 37 का ये आया 18.5 इंच।
ये 18.5 इंच आ गया हमारा यहाँ से, ये 7 इंच हमने जो बैक ऊपर से था ये लगाया, ये आया 18.5 इंच, और यहाँ से 4.5 इंच हमने इसको आगे बढ़ा दिया, ये आया हमारा 6.25 इंच कमर का निशान, 6.25 इंच पर हमने निशान लगाया, कमर हमारी 32 इंच है तो ये 16 इंच। अब यहाँ से हमने 4.25 इंच आगे लगाया, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ये निशान हमारा है 16 इंच, अब देखो इसके दो तरीके हैं, सबसे बेस्ट तो ये है जितना ये निशान है ये 16 आया तो यहाँ से 17.5 इंच रख दीजिए, ये मैं लगा ही देता हूँ निशान 17.5 इंच, ठीक है। दूसरा हिप, अब इसकी जो हिप है इसकी हिप भी 37 इंच ही है, तो अब आपने अगर हिप से लेना है तो ये भी लगभग वहीं आएगा, यहाँ पे लगभग इसकी 23-24 इंच पे हिप आ जाएगी, 7 इंच ये आया हिप से हमारा, 37 हमें लेना है तो 7 इंच, ये आया हमारा 18.5 इंच, ये आया हमारा 4 इंच, ये मेरा निशान मेरे को लगता है गलत लगा है कुछ, 4 इंच, एक मिनट होल्ड रखिएगा, 7 इंच, 18.5, 4 इंच, आगे कैसे लग गया, ये हमारा निशान हो गया। अब हम निशान लगाते हैं तख्ती का निशान, दोस्तों इसकी 37 इंच, ये 37 का चौथाई आ गया 9.25 इंच, 9.25 इंच में अगर ये जेंट्स कोट होता तो 1 इंच पीछे हम तख्ती का निशान लगाते हैं, मैं इसमें 0.25 इंच पीछे निशान लगा रहा हूँ, ये यहाँ से आया 8.5 इंच, इसको भी हम 8.5 इंच कर देते हैं, और 2 बटन का कोट है या सिंगल बटन का कोट है तो ये यहाँ से 8.5 आया, 4.25 इंच पे आधे पे एक निशान लगा दिया हाले का निशान, इस निशान को सीधे उठा लिया, इस निशान को भी सीधे उठा लेते हैं, एक यहाँ से लगभग 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब दोस्तों ये देखिए 37 इंच है तो ये हो गया 18.5 इंच, एक ही निशान ये लगाया हमने और इस निशान को इससे मिला दिया, ये आ गया इसका हमारा हाला कोट का। अब ये निशान आया हमारा 5.5 इंच एक सूत, हमने नापा था 5.5 इंच एक सूत है तो इसमें हम 5.5 इंच में एक सूत कम कर देंगे और इसका मुड्डा ज़्यादा नहीं गिराएंगे जैसे औरों में गिराते थे हम, ये यहाँ आएगा हमारा, इस निशान को हमने ये उठा लिया है और ये हमारा मुड्डे का निशान हो गया। दोस्तों देखो ये डट मैं कैसे निकालूंगा, इसमें और इसमें बहुत ज्यादा गैप हो रहा है ये, ठीक है, तो इतना गैप तो मैं इसको कैसे डट निकालूंगा बताता हूँ आपको, इस निशान को हम इतना कर देते हैं, यहाँ की शेप सगल भी इसकी सही आएगी और ये मैंने इसका बैक का निशान उठा लिया है, दबाव रख देता हूँ इसमें मैं, देखिए बहुत ज़्यादा वो है इसमें ना, ये बहुत आगे बढ़ाया कमर 32 इंच, 30.5 31.5 ही है, इसको मैं कैसे कवर करूँगा अभी बताता हूँ आपको मैं, इस निशान को यहाँ से 2 सूत नीचे उठाया, ये हमारा मुड्डे का निशान लग गया है। अब दोस्तों यहाँ से लेडीज कोट है, ये 0.25 इंच नीचे एक निशान लगाओ और ये दबाव का निशान लगभग 2 इंच पे, इस निशान को हम ये उठा देते हैं, निशान हम दबाव रख दिया है, ये लेडीज कोट है, यहाँ से ज़्यादा नहीं रखेंगे, ज़्यादा 2 इंच का ये
राउंड देंगे, सवा दो ढाई इंच देते हैं जेंट्स कोटों में, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। ये नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, दोस्तों लंबाई ज़रूर यहाँ से नाप लेनी चाहिए, ये 26 इंच हमारी सही आ जाएगी, ये 26.5 है, दो यहाँ से नीचे से तो दबाव है, नीचे ऊपर ही आधा इंच सिलाई में दबके 26 इंच फिर भी यहाँ लिख देते हैं, 26 इंच लंबाई आ जानी चाहिए। पेस्टिंग करने के बाद कई दफ़ा कपड़ा सूखड़ जाता है। दोस्तों इसको मैं सिंगल बटन का बना रहा हूँ कोट को, तो यहाँ से 9.5 इंच में मैंने एक बटन का निशान लगाया है और ये हमने नपेल का निशान लगा दिया है इसकी। अब दोस्तों इसकी जो नपेल है मैं थोड़ी अलग रख रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं राउंड दे रहा हूँ नपेल इसकी गोल, ऐसी ऊपर जो कॉलर चढ़ेगा वो भी ऊपर हम राउंड दे देंगे तो थोड़ा सही लगेगी। ऊपर इसमें पॉकेट हम नहीं लगाएंगे, एक नीचे यहाँ से मैं पॉकेट का निशान लगा रहा हूँ, ये 18.5। उन्हें 6 इंच जेब का मुँह रख दिया मैंने, लेडीज कोट है, और एक निशान ये लगाया, निशान ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया, और यहाँ से हम इसमें डट देंगे। देखिए कमर कैसे कवर होगी, ये लगभग लगभग 1 इंच है, 1 इंच कवर हो जाएगी हमारी कमर इससे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक हम डट यहाँ देंगे, देखो इसमें अगर जेंट्स कोट होता ये तो इसमें हम डट सीधी दे देते, लेकिन इसमें हम जो डट देंगे इसका सीना बनाया जाएगा। देखिए ये जो मैंने कवर कर दिया है कुछ तो यहाँ से कवर हो जाएगा वो, ठीक है, और आधा इंच करीब ये कवर हो गया, एक डट देनी ज़रूरी है ये लेडीज कोट में, ऊपर पॉकेट नहीं लगती लेडीज कोट में, अगर कोई कहता है तो लगा दीजिए, और इसको हम कटिंग कर देते हैं। एक इंच करीब अंदर मैंने इसलिए काटा है ये, अगर कोट टाइट करना पड़ जाए तो टाइट कर सकते हैं, लूज करना पड़ जाए तो आगे मैंने ये इसमें मार्जिन दे दिया है करीब 1.25 इंच का। एक गोलाई इसकी मैं अभी कर दूंगा, ये हमारे सामने भी कट गए हैं और बैग भी हमारी कट गई है, ये मैंने इसकी डट निकाल दी है। मेन कोट में जो होता है वो ये चीज़ होती है, ये निकालने में कोट कमर पकड़ना चाहिए, ये तो वैसे भी बहुत कम कमर है इसकी, शेप शकल जो कोट का बनता है ये डट जो है बहुत बड़ा रोल अदा करती है कोट में, और उससे भी बड़ा रोल अदा जो करता है वो बनाने वाला कारीगर जब इसकी जुड़ाई करेगा किस तरह कोट को इस जगह से बैठाना है। अक्सर करके यहाँ अगर जुड़ाई सही नहीं होती तो सलवट ही सलवट रहते हैं इस जगह कोट में, तो ये चीज़ बनाने वाले के ऊपर भी निर्भर करती है, ये डटें निकलेंगी
एक निशान इसमें भूल गया हम लगाना। ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी डटे, इसका सीना बन जाएगा, इससे कमर का शेप बन जाएगा, इससे बहुत काउंट करती हैं चीज़ें ये। अब इसका कॉलर मैंने हल्का सा राउंड करना है, तो इसको मैं राउंड कर देता हूँ अभी, नहीं तो कारीगर जो है इसको सीधा ही बना देगा। ये मैंने इसका राउंड कर दिया, ऐसे ही इसका कॉलर जो होगा वो भी राउंड हो जाएगा। दोस्तों इसकी मैं काटता हूँ आस्तीने। तो यहाँ से अलग कर लेते हैं। सबसे पहले हम दो तो छोड़ के इधर से एक निशान उठा लेते हैं। निशान उठा लिया मैंने, अब एक इंच करीब का एक निशान और ये उठा लिया मैंने। दोस्तों पहले मैं जो आस्तीन काटता था, अमेरिकन आस्तीन नहीं काटता था मैं, बिल्कुल सिंपल आस्तीन काटता था। मेरा गोला और ताल, इसको गोला बोलते हैं ऊपर, और नीचे का जो पीस कटता है उसको ताल बोलते हैं। तो मैं गोला और ताल बिल्कुल बराबर काटता था, लेकिन वो चढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आती थी, ये आसानी से चढ़ जाती है। अब दोस्तों देखो स्केल का हिसाब हिसाब इसमें नीले डिजाइन नहीं चलेगा, तो हमने 8.5 इंच इसका मुंडा गिराया है। तो हम इसका जो ज़्यादा चौड़ी लेडीज़ की बाहें जगह से ज़्यादा नहीं होती, ये जगह भी ज़्यादा भारी नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि इसका 8 इंच बहुत है। छेंच मैंने इसका ऊपर से मिला के ये गिरा दिया है छेंच पे, और ये लगभग 1.5 इंच में एक सूत कम, और इस निशान को हम ये सीधा उठा लेंगे। और ये लगभग, मैं तो अपने इसी हिसाब से चल रहा हूँ, वैसे लगभग ये 3.25 इंच है, 3.25 इंच ये करा, 3.25 इंच में आगे बढ़ाया इसको इधर, और इस निशान को लगभग ये मिला दिया हमने, और इसको यहाँ मिला दो। अब इसकी लंबाई है दोस्तों 20.5 इंच, यहाँ से हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, ये 20.5 इंच, और यही निशान हम इस वाले निशान से लगाए, नीचे वाले से, ऊपर तो पैडिंग का आ जाता है, 20.5 इंच पे एक निशान लगाया हमने। इस निशान को हम ये उठा लेंगे, और ये लगभग 2 सूत इधर और 2 सूत ऊपर कर देंगे। ये क्रॉस निशान होता है 1/2 इंच, और ये दबाव का निशान है दोस्तों। अब यहाँ से 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम, इसकी मोहरी हम रख देते हैं 4.5 इंच बहुत है वैसे, क्योंकि लेडीज है बहुत है 4.5 इंच। अब इस वाले निशान को हम यहाँ मिला देंगे, ये देखिए इसको हल्का बाहर लेंगे, इस वाले निशान को हम यहाँ मिलाएंगे, और ये थोड़ा जितने तार इधर को तिरछे हैं इतने बाहर को आ जाएंगे, ताकि ये सही बैठ जाए। अब दोस्तों ये निशान मैंने ये उठाया, गोलाई कर ली, और इसको हल्का बाहर को मैं लूँगा, और
ये मेरा आस्तीन का गोला बोलते हैं इसको, गोला मैंने काट दिया। हमने यहाँ से पौने दो लिया लेडीज में, इसमें यहाँ से पौने दो के निशान लगाएंगे और ये हमारी लेडीज कोट की कटिंग। दोस्तों अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ लीजिएगा, क्योंकि तो आज मैंने कोई दवाई खाई भी है उससे मेरी आंखें भी ढंग से नहीं खुल रही हैं। ये देखिए ये हमारा आस्तीन का गोला कट के तैयार हो चुका है। अब दोस्तों इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको यूं पलट लेंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों ताल, दर्जी भाषा में। एक गोले का एक पल्ला हमने उठाया और यहाँ रख दिया है और इसके बराबर हम इसको यहाँ से बराबर मिला लेंगे। अब दोस्तों पौने दो इंच हमने यहाँ से बढ़ाया, पौने दो यहाँ से बढ़ाया, इसको यहाँ नीचे खिसका देंगे। ठीक है, और इसको भी यहाँ से ये काट देंगे। अब दोस्तों चाहो तो यहाँ दबाव रखते हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन मेरे को आदत नहीं है इधर दबाव रखने की, क्योंकि चलो मैं फिर भी रख देता हूँ आपको बताने के लिए। ये निशानी उठा लेते हैं गोले के बराबर, बस ये कोहनी के निशान तक, और इसको हल्का सा यहाँ से आइडिया लिया। अब कोहनी के निशान तक निशान लगाया और ये नम देने के लिए हम करीब पौन इंच अंदर इसको ले लेंगे इस तरीके से, और इस निशान को हम ये उठा देंगे। और अब ये हम जितना हमें दबाव छोड़ना है ये लो, दबाव रखने की वैसे जरूरत मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी रख देते हैं हम दबाव को। लूज करना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए तो मैंने दबाव रख दिया। अब दोस्तों ये हमारा कट गया, ये मैंने दबाव रखा आगे है यहाँ से, तो मैंने ये पौने इंच नम कर दिया, ये निशान लगा दिया है ये। अब इसको उठाओ इसके बराबर मिला लो और एक निशान यहाँ पे ये लगा दिया हमने, क्योंकि यही सिलाई यहाँ जुड़ेगी हमारी। इसको उठाओ, मैंने एक निशान ये उठा लेंगे, एक निशान हम यहाँ पे, ये सिलाई हमारी यहाँ जुड़ेगी। अब जो ताल है, अब ताल की जो हम गहराई काटेंगे इसको, ये पलट के इस तरीके, ये ताल है हमारा, ये हमारा गिदरी का आस्तीन के निशान है। इस निशान को हम यहाँ रख देंगे इसको ही, और ये लीजिए आप, ये हमारा ताल कट जाएगा। यहाँ जुड़ाई होगी, थोड़ा दबाव कम ज़्यादा करने के लिए दबाव रख देते हैं, और इसको हम उठाते हैं आस्तीन को ये, और इसके ऊपर ये पल्ला रखा। ये मेरा लेडीज कोट की कटिंग हो गई है, और दोस्तों कोशिश ऐसी रहेगी कि दो दिन बाद, तीन दिन बाद जब ये कोट बन के आएगा, और जिनका ये कोट है, कोशिश करूँगा इस कोट की एक वीडियो आपको ज़रूर डालूं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको समझ आता है, अच्छी लगती है, तो आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वीडियो डाल सकूं। धन्यवाद।